नमस्कार मित्रों, आपके अपने परिवार विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आपको मैंने स्वर पढ़ाए थे हिंदी में, और स्वर का जो नेक्स्ट सेकंड लेके चलते हैं आज, आपको वर्णमाला जो मैंने कल स्टार्ट कराई थी, वर्णमाला का फर्स्ट क्लास आपकी कंप्लीट हो गई थी जिसमें मैंने स्वर कराए थे, तो आज व्यंजन कराएंगे। तो मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम करवाते चलेंगे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, ताकि आपकी हिंदी मजबूती की तरह, एक स्तंभ की तरह, मतलब बिल्कुल बढ़िया हो जाए और ऐसी हो जाए कि आप आने वाली यूपी पुलिस की जो परीक्षा है उसमें 37 के 37 क्वेश्चन करके आए। ठीक है, तो आज पहले सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वर्णों के कितने, आप सभी पहले क्वेश्चन करेंगे, बाद में मैं टिक कराऊंगा एक साथ, ठीक है, आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप उस पर टिक करते चलेंगे और देखते रहेंगे कितने सही कर रहे हैं आप। वर्णों के कितने भेद हैं, पहला क्वेश्चन। जिस ये ऑप्शन दे रहा हूं, ए 10, बी 4, सी 3 और डी आपका 2। भैया ए बी सी डी में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी की जगह ए बी सी डी में दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको दूसरा, कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कुल कितने भाषा, क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आया था, वो क्वेश्चन आया था हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से आया था। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो फर्स्ट हो गया 44, बी हो गया 33, सी हो गया आपका 11 और डी हो गया आपका 52, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अयोगवाह कहा जाता है। मैंने आपको अयोगवाह कल बताए थे स्वरों में कि अयोगवाह किसे कहते हैं, आपको सब कुछ बताता है। तो मैंने क्वेश्चन दे रहा हूं, अयोगवाह कहा जाता है या किसे कहा जाता है, अयोग वाह किसे कहा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन करते चलेंगे। नंबर एक, अल्प प्राण, बी महाप्राण, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अयोग वाह कहा जाता है, अल्प प्राण महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन को, डी विसर्ग को। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है। आपको करवाया था संवर्त स्वर, अर्धसंवर्त स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर, ये चारों कराए थे कल, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आया कौन सा, मैंने बोला आपको क्वेश्चन बोला है, मैंने चौथा आपको क्वेश्चन बोला जो कि कौन सा स्वर संवर्त है, कौन सा स्वर संवर्त है, कौन सा, भाई दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां इसे ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन को, कौन सा स्वर संवृत है,
क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर, मैंने एक छोटा सा काट दिया निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, तो आएगा देता हूं पहला ऑप्शन आ ओ ई, आ ओ ई छोटी ही रहते ना, और डी हो गया ए, ठीक है, बड़ी छोटी क्वेश्चन ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कौन सा स्वर समवर्त है। उसके बाद एक आपको बताया था मैंने, जब जीभ के द्वारा स्वर बोलते हैं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, देखो आपका रिवीजन भी हो तो चल रहा है इस तरीके से, तो अगर जिसने पहली वीडियो देखी होगी वो इन क्वेश्चनों को इजीली कर लेगा, और जिसने पहले पढ़ रखा होगा वो भी कर लेगा, ठीक है। तो मध्य स्वर कहते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा आपका मध्य स्वर कहते हैं। मेरे हिसाब से आप अपने इसमें करते चलिए, आपको पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। उपो ई को, ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मध्य स्वर किसे कहते हैं, सुई, सी, ठीक है, आपके पांच क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, ये पांच क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब छठा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, काफी है, पांच पांच क्वेश्चन डेली चलेंगे तो सही होता रहेगा। पहला, वर्णों के कितने भेद होते हैं, भाई बताओ कितने भेद होते हैं, दस नहीं लिखवाया, चार, वर्णों के दो ही भेद होते हैं, कौन से, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन, तो कौन सा होगा, टू, कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कल बताया था मैंने, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, भैया कुल वर्ण लिपियां यानी कि कुल अक्षर कितने हैं हिंदी भाषा में, तो कितने होंगे, 52, इज दैट क्लियर। अब आता अयोगवाह किसे कहा जाता है, अयोगवाह, अल्पप्राण को, अल्पप्राण मैंने आपको पढ़ाया नहीं, और अल्पप्राण अभी नहीं कहा जाता, संयुक्त व्यंजन को और विसर्ग को। देखो अयोगवाह में दो वर्ण होते हैं, कौन से, एक तो होता है अणे और एक होता है विसर्ग में, तो ये जो विसर्ग होता है ना, तो ये कितना होते हैं, दो, तो इसे बोलते हैं विसर्ग, तो विसर्ग को। यहां तक मुझे कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, विसर्ग को। अब कौन सा स्वर संवर्त है, देखो संवर्त में, मैंने संवर्त में एक बच्ची बताई थी आपको, कैसे कहा था, मैंने कही थी सुई, याद रखना, तो उ और ई, यानी कि संवर्त में कौन सा रहता है, उ, बड़ा उ, ई और ई, ये संवर्त में रहते हैं, तो कौन सा स्वर संवर्त है, तो आ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ई, इज दैट क्लियर, तो ये आया ई। अब आता है मध्य स्वर किस कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं भैया जो जीभ के बीच वाले हिस्से से बोला जाए, तो वो होता है ए, क्या, ए, ए को, ठीक है। ये आपके पांच क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आज यहां तक कोई दिक्कत, अब हम आपको कराएंगे क्या, आगे के चलते हैं, वर्णमाला में आपका स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन कराने के चलते हैं, व्यंजन, अब व्यंजन क्या होता है, व्यंजन बताते हैं आपको, व्यंजन क्या होता है, देखो स्वर क्या होता है, स्वर जो है आपके, स्वर जो होता है, स्वर होते हैं आपके, जैसे जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो होते हैं स्वर। अब स्वर में व्यंजन बताया, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वरों की
सहायता से बोले जाएं। मतलब मैंने आपको कल ही बता दिया था, क्या बताया था मैंने कल ही बताया था कि जैसे मान लो मैंने बताया था के है, के एक वर्ण है, तो के में स्वर की सहायता से बोला जाएगा, तो कैसे बोला जाएगा, के प्लस ए, तो बन गया के, ठीक है। जैसे मैं हो गया, तो मैं किसे बना, मैं और ये हलन लगा दे प्लस ए, तो मैं हो गया। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं, वो सॉरी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको एक चीज बता दूं, व्यंजन जो है आपके पांच तरीके से होंगे। कैसे व्यंजन? एक तो होता है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, स्पर्श व्यंजन नुजी, स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा? स्पर्श व्यंजन कैसे लेके, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेके मैं तक 25 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। कैसे लेके मैं तक 25 वर्ण आते हैं, तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। यहां तक कोई दिक्कत? अब सारी चीज कराऊंगा मैं। देखो व्यंजन स्टार्ट किया, ये व्यंजन में सबसे पहले जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन में आपके पांच प्रकार लिखूंगा। पांच, पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक के जितने भी व्यंजन है वो होंगे स्पर्श व्यंजन। मैं आपको सारी चीज डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा, कोई दिक्कत मत लेना बच्चों। अब आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ अंतस्थ, इसे बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में आता है ये अंतस्थ, ये रे ले वे, सारी चीज बता के चलूंगा आपको, कोई दिक्कत मत लेना। अब आता है उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन उष्मीय व्यंजन में होंगे आपके, आपने सुना होगा श, श, से और है, ठीक है। एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसमें आता है आपका छ, क्षत्रिय, त्रय, श्रेय और ये है। एक आता है उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। व्यंजन में क्वेश्चन इसमें से 100% इतने से में से बन जाएगा, इतने से में से ही क्वेश्चन बनता है आपका व्यंजन में से। पढ़ाऊंगा सब कुछ, पर एक ट्रिकी मेथड से भी लेके चलेंगे। इतने इसी पोर्शन से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटेड बन जाएगा, ठीक है। वो पूछ लेगा उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उष्मीय व्यंजन क्या किसे कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, ये पूछ लेगा, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चल रहे थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी। कल क्वेश्चन कराएंगे ऐसे ही आपके स्वर के और व्यंजन के दोनों, पूरी वर्णमाला के क्वेश्चन, जैसे आज 5 कराए हैं, कल 20 से 25 क्वेश्चन, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिए जाए जो होंगे, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन पढ़ाते, स्पर्श व्यंजन, हाँ, कैसे लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन होते हैं ये वाला, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन ही बताते हैं क्या होता है। देखो इसमें स्पर्श व्यंजन मिस्टेक क्या वर्ग, दूसरा होता है आपको सुनो कचट तप, क्या वर्ग, छह वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग।
तो ये आपने जिस भाई देखो एफ से एनआर बचपन में पढ़ता है बच्चा, पर क्या होता है 95% ज्यादा बच्चे बारहवीं तक ऐसे एनआर भी भूल जाते हैं, ऐसे लेके आगे ज्ञानी तक ऐसे एनआर भी आपको याद नहीं होंगे। बट आपको जो मैं बताता हूँ वो चलते चलो, के वर्ग चे वर्ग टे वर्ग ते वर्ग पे वर्ग ये वर्ग होते हैं। तो के में के वाले वर्ग आएंगे, जैसे कौन सा के में कौन सा आएंगे, के क ख ग ग अंगा, इसे बोलते हैं अंगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब चे वर्ग में च छ ज, कोई दिख रहा है ज इया, इसे बोलते हैं इया, क्या बोलते हैं इया, ठीक है। टे ठ द ध न अण, ते थे दे दे न पे वर्ग, पे फे बे भे और मैं, ये पांच, ये आपकी कैच कचट तप, ये याद रखना कचट तप, ये आपके जितने भी वर्ण होंगे इन्हें बोलेंगे आप स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि नासिक्य व्यंजन क्या होता है, क्या बोलता है नासिक्य, इन्हें बोलते हैं आपको नासिक्य व्यंजन। भैया नासिक्य व्यंजन, ठीक है, जो नाक से बोले जाए न, ठीक है, ये आपके नासिक्य व्यंजन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भैया ये थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है, ये कभी सोचो कि क्या बना दिया सर ने, ठीक है, ये नासिक्य व्यंजन। तो इन्हें भाग में बांट लेते हैं, भाग में बांटने का फायदा भी मैं कल बताऊंगा आपको कि क्या फायदा है। अब आपका स्पर्श व्यंजन देखो, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 25। लिखवा दिया आपके स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। अब आ जाते हैं अंतस्थ पे, अंतस्थ कौन से कराए थे मैंने, अंतस्थ में बताया था आपको अंतस्थ, ऐसे लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में बताया था मैंने ये रे ले और वे, अंतस्थ व्यंजन में ये रे ले वे, ये मैंने बताया था आपको अंतस्थ व्यंजन में। अब अंतस्थ व्यंजन में पहले आपको देखो ये और रे की बात कर लेते हैं, ये और रे की बात कर लेते हैं, वे की, ये और वे आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर भी बोलते हैं इन्हें अर्ध स्वर। जी क्यों बोलते हैं अर्ध स्वर, दिखाई नहीं दे रहा वो मंत्र मुझे लग रहा है, तो एक काम कर लेते हैं कल को एक बार और इसे नोट कर लेंगे, इसमें कुछ चीज बतानी रहेगी उसे, इसे कल को एक बार और ताकि आपको याद भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ये और वे की, तो इन्हें क्या बोलते हैं, मैं कह रहा हूं अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्ध स्वर। तो क्वेश्चन आ जाता है अर्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर ये क्यों बोलते हैं जी इसे अर्ध स्वर। देखो जैसे आपने सुना होगा महिलाएं, एक वर्ड होता है महिलाएं, तो आप ऐसे लिखोगे महिलाएं, ऐसे तो लिखते हो, और महिलाएं को आप
महिलाएं ऐसे भी तो लिख सकते हो, महिलाएं लिख देते हो। तो देखो ये काय में बदल गया, ए में बदल गया, तो इट मींस इसे अर्धस्वर इसलिए बोला जाता है। जैसे वह की बात कर लेते हैं, तो ये तो यह का उदाहरण हो गया। अब वह की बात कर लेते हैं, वह में जैसे क्या है, आपने सुना होगा कोवा, को वा, तो इसे कई बार लिख देते हैं को आ, को आ, तो ये देखो वह ए में बदल गया, तो इसलिए इसे अर्धस्वर बोलते हैं, अर्धस्वर भी बोल देते हैं। अब यह और रे की बात होगी, अब आ जाती है यह और वे की, ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। अब रे और ले की बात कर लेते हैं, किसकी, रे और ले की। रे और ले, देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लुंठित और परकंपित, लुंठित और परकंपित वर्ण किसे कहते हैं, तो जो रे होता है रे, तो इसे बोलते हैं परकंपित। देखो परकंपित मतलब कॉप रहा एकदम, रे जब रे बोलते हैं ना तो जीपी हमारी कॉप जाती है रे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे परकंपित, परकंपित व्यंजन या वर्ण, ठीक है, परकंपित वर्ण, ठीक है। अब लैसे लुंठित, परकंपित और लुंठित, क्या बोलेंगे, परकंपित और लुंठित, ठीक है जी, परकंपित और लुंठित वर्ण होंगे रे। अब आज कर चलते हैं ले पे, ले, ले का कई बार क्वेश्चन आया, ले को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन वर्ण भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही अक्षर तो अक्षर ही है, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। तो रे और ले की आपकी बात मैंने कर ली है, ठीक है। अब आते हैं उष्मीय व्यंजन पे, किसमें, उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन किसकी बात कर रहे हैं हम, ऊष्मीय व्यंजन की। ऊष्मीय व्यंजन आपका मैंने बताया था क्या, शे, शे और शे और है, ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन आपका ये बताया था। देखो एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था आपको, भाई आज की क्लास में इतनी रखते हैं आज, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, उच्छिक्त व्यंजन, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या था, क्वेश्चन आया था कि जो क्या नाम है, व्यंजन कितनी पंक्तियों में लिखा जाता है, व्यंजन कितनी पंक्तियों में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको घर से ले दे रहा हूं, आप देखते हैं कि कल की क्लास में देखते हैं आप कितने आदमी बताते हैं, और आप इसमें मतलब शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने विद्यार्थी क्लासेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और कमेंट करनी है मैम, एंड सर जो भी हैं, लड़के जितने भी हैं, अब सभी को कमेंट करनी है कि जो व्यंजन कितनी पंक्तियों में लिखा जाता है, ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।